नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो, स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट, फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र 1 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। पटना IGIMM के डॉक्टर का कमाल, मरीज के ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल शेप का फंगस, बचाई आंखें। बिहार से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर, इस दिन शुरू हो रही साप्ताहिक एक्सप्रेस, जाने शेड्यूल। बिहार BPSC में आई 64वीं रैंक, लेकिन नहीं मिलेगी नौकरी, जानिए क्यों। RJD नेताओं को तेज प्रताप ने 2 घंटे तक कराया इंतजार, पिता लालू प्रसाद के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का किया उद्घाटन, बोले मांझी का स्वागत है। जदयू को चाहिए मोदी सरकार में हिस्सेदारी, नीतीश के 3 करीबी नेताओं के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा। त्योहार न मेला फिर भी चल रही पूजा, स्पेशल यात्रियों को देना पड़ रहा अधिक किराया। दरभंगा में हो ग्रामीण तकनीकी विकास व प्रत्यक्ष केंद्र की स्थापना, सांसद। मूसलाधार बारिश से झील बना सहारा घाट का राम जानकी चौक। बिहार में सियासी अटकलों को मिली नई हवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जदयू ने NDA के सामने रखी शर्त। सिंधिया की मोदी कैबिनेट में एंट्री तय, पिता माधव राव की तरह संभालेंगे रेल। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रूपए प्रति ऑर्डर की फी दो, एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप आज ही। 5paisa के साथ फ्री DMAT अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होके सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है, वही ब्लैक फंगस के रोजाना मिलने वाले मरीज सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वही डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ताजा मामला पटना के IGIMM अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों ने 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में न केवल मरीज की आंखें बचा ली, बल्कि उसके दिमाग से क्रिकेट के बॉल के आकार का फंगस नुमा जाला भी निकाला। बिहार से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर, इस दिन शुरू हो रही साप्ताहिक एक्सप्रेस, जाने शेड्यूल। देश में कोरोना वायरस का प्रभाव कम होते ही रेलवे धीरे बंद ट्रेनें शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी खबर दी है। रेलवे ने बरौनी कटिहार रेल लाइन पर 2 और साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 17 जून से चलेंगी। बिहार BPSC में आई 64वीं रैंक, लेकिन नहीं मिलेगी नौकरी, जानिए क्यों। बिहार में BPSC का परिणाम जारी हो चुका है। परिणाम आते ही कई उम्मीदवारों के चेहरे खुशी से झलक पड़े, तो कुछ के चेहरे लटके नजर आए। जिनका परिणाम बेहतर था, वहां ढोल नगाड़े और बैंड बाजे से उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर एक अभ्यर्थी ऐसा भी था जिसने परीक्षा दी और फिर इंटरव्यू भी हुआ। BPSC में 64वीं रैंक भी आई, लेकिन नौकरी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, BPSC ने उसका चयन रद्द कर दिया था। जब इस बारे में अभ्यर्थी ने पता लगवाया तो विश्वविद्यालय की लापरवाही सामने आई। दरभंगा में ग्रामीण तकनीक विकास व प्रत्यक्ष केंद्र की स्थापना, सांसद। दरभंगा स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय कुमार से मिलकर शनिवार को दरभंगा में ग्रामीण तकनीकी विकास एवं प्रत्यक्ष केंद्र की स्थापना एवं अन्य कृषि संबंधित विषयों पर चर्चा की। कहा कि मिथिला क्षेत्र में बड़े मध्यम एवं लघु उद्योगों का काफी अभाव है, इस क्षेत्र में कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है और कृषि उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार के अभाव के कारण मिथिला में लाखों लोगों दूसरे राज्यों में पलायन करते आ रहे हैं। लंबे समय तक शासन करने वाले सरकारों ने किसानों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण इस क्षेत्र में बेरोजगार और गरीबी बढ़ती गई। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।